ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैंने एक शनि पर वीडियो बनाया था कि शनि अभी बदलने वाले हैं और ये बदलाव 2.5 वर्षों बाद हो रहा है, तो बहुत सारे जातक बहुत डरे हुए हैं, बहुत सारे जातकों के मन में कई सारे प्रश्न हैं। मैंने उन प्रश्नों के बारे में विस्तृत वीडियो जरूर बना दी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जातकों के मन में ऐसा लगता है कि शनि ना जाने क्या करेगा। ये जो बदलाव है, ये बदलाव जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो 3-4-5 महीने आ रहे हैं, ना जाने इसमें ये बदलाव क्या करेगा। तो ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। पहली बात तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन इस बदलाव का जो प्रभाव होगा और जिस प्रभाव से आप डर रहे हैं, मन में कई सारी भ्रांतियां आपने क्रिएट करके रखी हैं, कई सारी चीज़ें आप पूछ रहे हैं, वो सभी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बहुत बारीकी से मैं जो बातें आपके साथ साझा कर रहा हूँ उन्हें समझें और आप स्वयं की मदद करें। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जो भी मन हो, कोई भी नाम भगवान भोलेनाथ का कमेंट्स में अवश्य रूप से लिखे। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, जैसे जीवन में कोई तकलीफ, परेशानी या कोई प्रश्न या कोई बाधा जिसके साथ आप वर्तमान में जी रहे हैं, आप परेशान हैं, कोई प्रश्न है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर आए, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पता होना अनिवार्य है, तभी हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। अन्यथा ये नहीं पता होने की स्थिति में प्रश्न कुंडली से आपके जवाब देने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। इस बदलाव से जितनी सारी नेगेटिविटी आप क्रिएट कर रहे हैं ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और शनि का ये बदलाव बेशक कुछ चीज़ें नेगेटिव देगा, कुछ पॉजिटिव देगा, हर एक विंग पर, हर एक क्षेत्र पर अलग अलग इसका प्रभाव होगा, लेकिन आपके ऊपर इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा जब तक आप इन उपायों को करते रहेंगे। तब तक इसके जो पॉजिटिव चीज़ें मिलने वाली, वो तो आपको मिलकर रहेगी इसे, लेकिन जो नेगेटिव है, जो मिल सकती है और उसका डर आपके मन में है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं उपाय आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इन्हें आप कर लें इस 2023 में, कभी भी कर लें, आज कर लें, अभी कर लें, जितनी जल्दी हो सके कर लें, तो शनि के जितने नकारात्मक प्रभाव पर होने वाले हैं आपकी पर्सनल कुंडली पर, क्योंकि हर एक व्यक्ति का हॉरोस्कोप अलग अलग होता है, तो उन सभी प्रभाव से आप बाहर आ जाएंगे और बच जाएंगे। सबसे पहला उपाय है कि कोयला लें। दो प्रकार के कोयले होते हैं, एक लकड़ी का कोयला और एक खदान से निकला हुआ कोयला। तो कोशिश करें कि अगर आपको लकड़ी से बना हुआ कोयला मिल जाए, जो लकड़ी का, अगर आप नहीं तो घर ही एक कोई लकड़ी जला ले और उसका कोयला बना सकते हैं। वो खड़ा कोयला, मतलब उस कोयले को आप सफ़ेद कपड़े में बांधें, बांधने के बाद अपने ऊपर से क्लॉकवाइज अप एंड डाउन 21 बार उतार लें, और उतारने के बाद किसी भी नदी में, जो भी आपके घर के आसपास हो, उसमें प्रवाहित कर दें, या ज़मीन में गाड़ दें, या उसे किसी भी जगह पर प्रवाहित करना है, घर से दूर उसे कहीं भी आप कर सकते हैं, सुरक्षित जगह पर, ऐसा नहीं कि उस चीज़ को कहीं भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो। इसे करने से शनि की जितनी सारी नकारात्मकता है, जो आपको डर लग रहा है, उससे आप बाहर आ जाएंगे। एक ही बार करना है आपको, और आपको ये पता है तो इसे बहुत ही शांति के साथ करना है, मतलब इसको कहीं भी, इसको चुपचाप से करना है। दूसरा है कि हनुमान जी की सेवा अगर आप करते हैं, तो शनि के कई सारे प्रभाव से आप बच सकते हैं, लेकिन सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के जितने सारे नकारात्मक प्रभाव है, उनसे भी आप बच सकते हैं दोस्तों। तीसरा है कि आप काला धागा हनुमान जी को अर्पित करें और उस काले धागे को अपने हाथों में बांध लें। आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, कोई भी दिन हो, उस दिन इस तरह से कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सरसों के तेल का दीपक लगाएं और पीपल के पौधे लगाएं। आप कम से कम कोशिश करें कि जैसे ही शनि का मोमेंट बदलेगा और आपको लग रहा है कि आपको पीड़ा हो रही, जैसे कि आपके काम बनना बंद हो गए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्थिर हो गई शनि की वजह से, और ऐसा लग रहा है तो उस वजह से, और इसका प्रभाव 19 जनवरी से नहीं होगा, इसका प्रभाव 19 दिसंबर यानी कि लगभग एक महीने पूर्व से ही शुरू हो चुका है, और अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है, काम नहीं बन रहे, कामों में रुकावटें आ रही है, चीज़ों में बहुत परेशानियां आ रही है, मतलब मेंटल तौर पर भी हमें स्ट्रेस बहुत लेवल बढ़ गया, ऐसा पहले नहीं था सिर्फ कुछ दिनों से, मतलब ये एक महीने से पीछे, जो अभी दिसंबर से, तो ये उसके प्रभाव हैं। तो अगर ऐसे प्रभाव हो रहे हैं तो इनको करने से भी इन प्रभाव से आप बच सकते हैं, और एक अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवाएं तो उससे और चीज़ें आप डिटेल में बाहर आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। और अगर कोई डाउट है आपके पास तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताएं, उससे जो मदद हो पाएगी मैं जरूर करूँगा।